बलरामपुर देवी पाटन मंडल हेड जनपद बहराइच में भट्टा मालिकों के हौसले बुलंद हैं। प्रदूषण अधिकारी अन्य जनपदों में व्यस्त हैं, भट्टा मालिक मस्त हैं। श्याम ब्रिक फील्ड जनपद बहराइच बलरामपुर रोड पर चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सारे नियमों को झांसा दे रहा है। भट्टा मालिक और प्रदूषण अधिकारी एवं श्रम विभाग के अधिकारी मिलकर जनता और मजदूर के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। प्रदूषण अधिकारी बहराइच की जनता को दे रहे प्रदूषण की सौगात, वहीं श्रम विभाग अधिकारी द्वारा बंधुआ मजदूरों के हक को मारने वाले भट्टा मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, ना ही उनका श्रम विभाग में पंजीयन किया जाता है, ना ही उन्हें कोई लाभ प्रदान होता है। डीबी भारती समाचार की टीम के द्वारा जब जानकारी भट्टा मालिक से ली गई तो उन्होंने जो सुविधाएं मजदूरों को नहीं दे भी रहे थे उसका भी बखान बड़ी सफाई से बताया। जब लेबर से उनका हाल जानने के लिए उनके कार्यस्थल पर जाना चाहा तो उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर जाना सख्त मना है और खुद ही प्रशंसा करके हमारी टीम को भेज दिया गया। तो दिखे नहीं है लेकिन आम के वृक्ष साक्षात दिख रहे हैं, आम ही के वृक्ष दिख रहे हैं। बाकी प्रदूषण बचाव के लिए जो भी है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्या शुभ नाम पड़ेगा भाई साहब? मुकुंद, मुकुंद टेकरीवाल। मुकुंद टेकरीवाल जी, कौन सा ब्रिक फील्ड है? श्याम ब्रिक फील्ड। श्याम ब्रिक फील्ड, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बहराइच जिले में पड़ता है जी। बहराइच जिले, तहसील क्या पड़ेगा आपका? तहसील भी बहराइची लगती है। बहराइची है तो इस ब्रिक फील्ड के आप ओनर हैं जी। इसमें जैसे आपका जो भट्टा है वो सादा है या वही चल रहा है? सादा ही है। सादा भट्टा चल रहा है। ये इसमें जो प्रदूषण बचाव के लिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 से 150 पेड़ लगाए हुए हैं जी। जी, किन किन वृक्षों का आपने? आम का हम लोगों ने वृक्षारोपण किया हुआ है, पकड़िया के पेड़ लगाए हुए हैं, नीम के पेड़ लगाए हुए हैं, लीची के पेड़ लगाए हुए हैं जी। ये सब पेड़ लगाए हुए जो कि प्रदूषण को जी वही को मद्देनजर रख के ही लगाए गए हैं पेड़ जी। नजर हर खबर पर।